जो साइक्लोन था जिसकी चर्चा काफी दिन हो रही थी और स्वराज से महाराष्ट्र से एंट्री होनी थी उसको, तो थोड़ी चिंता थी हम लोगों को। तो हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सब अधिकारियों के साथ में, और पहले तैयारी कर रखी थी हम लोगों ने जिससे कि कैसी भी विपदा आए तो लोगों को तकलीफ नहीं हो, ये व्यवस्था हमने पहले ही कर रखी थी। मेरे घर करीब 15-17 हजार लोगों को तो हमने पहले शिफ्ट करवा दिया। फॉर्चुनेटली जो सुन रहे थे पहले इसके बारे में, मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हमारी हुई, तमाम राजस्थान गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी लगा के सभी अधिकारी मौजूद थे। सबने जो तय किया, एहतियात के तौर पर आर्मी के 2 कॉलम बुला लिए और 17 टीमें SDRF की, 8 टीमें थी आपके NDRF की, तो 25 टीमें लग गई साथ में। फिर आपके जो ये आपदा मित्र बनाए हैं सिविल डिफेंस ने, उनकी भी अच्छी भूमिका रही सब जगह। इस रूप में मैनेजमेंट इस रूप में किया गया जिससे कि बरसात हुई है, बरसात का थोड़ा लाभ भी मिलता है, किसानों को लाभ मिलता है, पर जानवर को नुकसान हो गया, कच्चे झोपड़े थे उनको नुकसान हुआ, कुछ पक्के मकान थे उनको नुकसान हुआ है। तो SDRF के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग टू सर्वे हो रहा है, जिला पैसे निकल रहा है, उन सबको मुआवजा दिया जाएगा, ये हमारी तैयारी है। और बाकी जो कुछ नॉर्म्स केंद्र सरकार ने बदल दिए हैं पेमेंट के, उसके कारण से तकलीफ आ रही है। पाला पड़ के पहले अब आपके चौटन के अंदर भी और कई जगहों पर भी पेमेंट बाकी है 1-1 साल से। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र भी लिखा है, आज ये मांग करना चाहूंगा केंद्र सरकार को चाहिए कि तमाम नॉर्म जो अप्रैल में बदल दिए थे पिछले साल, तब से हम कोशिश करें कि आप नॉर्म वापस बदलो, क्योंकि जो बीमा है कृषि बीमा उसके साथ लिंक कर दिया उसको, वो थोड़ा कैलकुलेशन टाइम लगता है उसके अंदर, तो लोगों को राहत मिल नहीं पाती है। बाकी पूरी व्यवस्था है। कल ही अपने जालौर जिले से रात को ही जालौर जिले से आप देखिए मेरी 62 लोगों को रेस्क्यू किया गया है राजथल गांव में और मिशनगढ़ की घटना है। तो अभी तक भी लगे हुए लोग हैं क्योंकि नदी नाले चलते रहते हैं। अब आप इतने बड़े जो आपके जो ये पीपल जॉय था साइक्लोन, उसमें तो लोग मरे नहीं, फॉर्चुनेटली सब ठीक निकल गया, वो उन्हें प्रभावी धीरे 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 कम होता गया। पर बाद में जब लोग तालाबों में नाडियों में तैरने जाते हैं वो लापरवाही करते हैं तो इन दिक्कत आती है। रात समय में 5-6 लोग मर गए, आपके बाड़मेर जिले में भी मैंने 5 लोग मर गए हैं, तो ये थोड़ा दुखद बात है। तो मैं अपील करना चाहूँगा पब्लिक से भी कि जो अभी बरसात जो हुई है अचानक, वो तो आपके 6 महीने की बरसात एक साथ ही हो गई है मान लो, और आराम हो गया किसानों को भी, परंतु नदी नाले जो फुल चल रहे हैं भर गए हैं उसमें तैरने में थोड़ा परहेज करें, ध्यान रखिए, मतलब ये मैं अपील करना चाहूँगा। अनावश्यक होते कि 10-12 लोग मर गए जबकि मेन साइक्लोन के अंदर कोई नहीं मरा, इस प्रकार व्यवस्था भी करी थी हम लोग।